टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान देने वाले क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की वतन वापसी हो चुकी है। वतन वापस आते ही मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है। हैदराबाद पहुंचते ही सिराज सीधे कब्रिस्तान अपने पिता की कब्र पर पहुंचे। यहां आकर वह काफ़ी भावुक हो गए। अपने पिता मोहम्मद गौस की कब्र पर फूल चढ़ाकर सिराज ने उन्हें श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए। जब सिराज के पिता का इंतकाल हुआ था तब सिराज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। उस समय देश के लिए खेलना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा और ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने का फैसला किया और फिर वह पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सके। सिराज भले ही पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सके लेकिन उन्होंने पिता के सपने को बेखूबी साकार किया। सिराज को टीम इंडिया की ब्लू जैकेट में देखने का सपना उनके पिता का ही था। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सिराज ने अपने पिता की याद में खूब आंसू बहाए। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिराज ने सबसे अधिक 13 विकेट चटकाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान सिराज भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े थे। तब भी लोगों ने सिराज की काफ़ी सराहना की थी। न्यूज़ डेस्क।